This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, BNR PU College, News & Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry and by Orbis International School. ये आज हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि जो हम देखते आए हैं कि स्टूडेंट्स का जो स्कॉलरशिप का इशू है, हर साल से एक एवरग्रीन इशू बन गया है स्टूडेंट्स के लिए। हम देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप का डिले किया गया है, उसको हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से कंडम करते हैं और पूरा स्टेट वाइड स्कॉलरशिप कोड़ी के नाम से हम ये एक प्रोग्राम चला रहे हैं, इवेंट चला रहे हैं कि हर जगह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और रैलीस हो और प्रोटेस्ट हो। हम ये एक प्रोटेस्ट करके, रैली करके, ये हम गवर्नमेंट से एक डिमांड करना चाहते हैं कि स्टूडेंट का जो इशू है, स्कॉलरशिप का जो इशू है, उसको एक जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। अभी तक भी हम देखते आए हैं कि स्टूडेंट्स हमेशा भी जो पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है, तब उसको एक माइनॉरिटी विरोधी गवर्नमेंट, जो स्टूडेंट विरोधी गवर्नमेंट है और जो स्टूडेंट विरोधी लोग हैं, उनको एक स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने से ऐसा एक रोकते हैं। इनडायरेक्टली एक स्टूडेंट को आगे बढ़ने से यहाँ पर गवर्नमेंट रोक रही है, उनको स्कॉलरशिप फराहम नहीं कर। तो हम ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाए। हम ये एक स्टूडेंट विरोधी गवर्नमेंट से और एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट का हक है, उन्हें उनका हक दिया जाए। अगर उनका हक नहीं दिया गया तो स्टूडेंट बेहतर जानता है कि उनका हक हम कैसा वापस लेना है। तो हम ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से डिमांड करते हैं कि जो लोन है, वो भी लोन जो KMDC का एजुकेशन का लोन है, वो भी जल्द से जल्द लोगों को दिया जाए, स्टूडेंट्स को दिया जाए। और जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं स्कॉलरशिप के जो फॉर्म्स में, वो टेक्निकल इश्यूज़ जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग, वो टेक्निकल इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए और उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाए। और जो स्कॉलरशिप MPhil और PhD स्टूडेंट को जो फेलोशिप की जो मिलती थी, वो उसके अंदर जो कमी किया गया, उसको वापस डिसीजन को वापस ले और उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप देकर एक स्टूडेंट्स की हेल्प किया जाए। अगर ये लोग स्टूडेंट की हेल्प नहीं किए, तो जब स्टूडेंट पढ़ेगा तभी तो हमारा एक भारत तरक्की करेगा, वरना ये भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इसको एक बहुत बड़ा एक एहतजाज करते हुए गवर्नमेंट से एक डिमांड करते हैं कि स्टूडेंट को जल्द से जल्द उनकी एक स्कॉलरशिप दिया जाए। फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटक रियासत की जानिब से पूरे रियासत भर में एहतजाज कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि जो स्कॉलरशिप अभी तक स्टूडेंट्स को गए साल का, मतलब पिछले साल का रिलीज़ नहीं किया गया, उसको सही तरीके से स्कॉलरशिप, हर एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलना है। और जो फेलोशिप कम किया गया है, जो PhD स्टूडेंट्स हैं, वो फेलोशिप को जैसा पहले था वो वही अमाउंट फेलोशिप मिलना चाहिए। तो हमको ये पूरी तरीके से एक जगह हम देखेंगे ये फेल्यूर गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट का फेल्यूर इसलिए है क्योंकि अनपढ़ है गवर्नमेंट। ये जब पढ़े लिखे लोग अगर रोड में आ रहे हैं, तो देश को ये समझना होगा कि अनपढ़ हुकूमत कर रहा है। तो हम अनपढ़ जब हुकूमत में होंगे, तो पढ़े लिखे कहाँ होंगे, रोड पे होंगे। तो पूरी एक ये क्या है, देश को और ये कर्नाटक के लोगों को भी ये समझना चाहिए, स्टूडेंट रोड पे क्यों आ रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको हम क्या, इसका मेन अहम मकसद क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट के बारे में हम जब बात करेंगे, इंडिविजुअली एक स्टूडेंट अगर वो PhD कर रहा है समझो, तो उसके बहुत सारे तकाजे रहते हैं, घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसके बावजूद भी वो अब कुछ करना है अपने खातिर और कुछ देश के खातिर कुछ करना है बोल के क्या है, एक डिसीजन लेता है कि मैं PhD करूँगा। PhD करने के लिए जब आगे बढ़ता है, तो उसके घर के लिए भी खर्चे के लिए क्या करना पड़ता है, एक अमाउंट देना पड़ता है उसको। पहले की फेलोशिप जो गवर्नमेंट देती थी 25,000 खरीद थी, तो 25,000 में वो क्या होता था, 10,000 उसके एजुकेशन के लिए और 5,000 करीब उसके घर के लिए, ऐसा कुछ उसका क्या है, जो PhD का जो एम रहता था वो पूरा कर सकता था। लेकिन जो नवंबर 9 तारीख को जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आया है, उसके अंदर पूरी तरीके से भी फेलोशिप का जो अमाउंट है कट ऑफ किया गया है, महीने को सिर्फ 10,000, मतलब 1,20,000 करीब साल को गवर्नमेंट देने की क्या है वादा किया है। अभी वो भी देता है या नहीं है पता नहीं है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ वादा कर रहा है, कुछ भी दे नहीं रहा है। स्कॉलरशिप के मामले में भी ऐसा हो चुका है और फेलोशिप के मामले में भी ऐसा हमको फेस करने मिल रहा है। तो हम पूरे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहते हैं, आप कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़िए
इंशाल्लाह हम पूरी तरीके से गवर्नमेंट को हम प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संवैधानिक हक है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना है कि हर एक स्टूडेंट को तालीम मिलना है, वो भी फ्री के तौर पर तालीम मिलना है, तो वो तालीम फ्री में लाने के लिए हमें कुछ संघर्ष इधर करना पड़ेगा। ऐसे ही बैठे बैठे घर में बैठे या कुछ किए बिना ये पा नहीं सकते, तो हमें कुछ कुर्बानी भी देना पड़ेगी, कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ हमें एहतजाज करते करते केसेस भी होंगे, हर चीज़ को हम फेस करना पड़ेगा, लेकिन हमें अगर हक मिलना है तो हमें फेस करना पड़ेगा, नहीं तो हमें कुछ हक नहीं है तो हम हक नहीं चाहिए तो हमें ऐसे ही घर में बैठकर जो पहले तरीके से हम कहते थे वही तरीके से चलेगा। तो हम कह रहे हैं पूरे स्टूडेंट को, स्टूडेंट कम्युनिटी को, सब लोग जागना चाहिए, ये इस अनपढ़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर वो अनपढ़ गवर्नमेंट के कान खींचकर नीचे उतारना चाहिए। ये तब होगा तब जैसे अब हरियाणा में और दिल्ली में फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी कर्नाटक में ये तरीके का एहतजाज हम ये कर रहे हैं स्टूडेंट से, तो पूरे स्टूडेंट्स हमारे साथ दें, इंशाल्लाह हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे उनको अपना हक दिलाने के लिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, BNRPU College, Newson Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School.